नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का, जो कि फाइनल टेस्ट मैच है दो टेस्ट मैच सीरीज का, वहां पर हम डे फोर का गेम प्ले लेके आए हैं। बात करें अगर रियल मैच की तो मोस्ट प्रोबेबली डे थ्री के दिन रिजल्ट आने का चांसेस है, लेकिन हमारी गेम में डे फोर तक पहुंचा है मैच। 39 रनों की लीड लेके बैठी है और किस्मत देखिए, हमारा डे फोर अभी यहाँ पर डे थ्री शुरू नहीं हुआ है और हमारा डे फोर अभी शुरू नहीं हुआ है यहाँ पर हमारा, यानी अभी होगा इस वीडियो में। और दोनों पे 6-6 विकेट गंवा चुका है बांग्लादेश। 321 पे 6 है इस समय अपनी सेकंड इनिंग में, वहां पर रियल में 152 पे 6 है और ट्रायल कर रहा है रियल में, यहाँ पर लीड कर रहा है 39 से। और अगर हम लोग यहाँ बैट बॉलिंग करते हैं 10 ओवर में, यहाँ पे 10 ओवर ही करूंगा गेंदबाजी, उसके बाद ऑटो प्ले में रखूंगा गेम को, और उसके बाद का जो हमारा आखिरी के 10 ओवर में बैटिंग करना चाहूंगा या तो फिर रन चेज करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ ज्यादा चांसेस हैं कि अफगानिस्तान बांग्लादेश यहाँ पर 150 के ऊपर लीड ले पाएगा। मैच जीतना है तो कम से कम 250 प्लस जाना पड़ेगा स्कोर में। शुरुआत हो रही ईशांत शर्मा के साथ, 3 विकेट ले गए। मिथुन यहाँ पर खेल रहे हैं और हसन उनका साथ दे रहे हैं 31 गेंदों में 20 बनाकर। 83 ओवर्स हुए हैं, हम लोग 83 से 93 तक खेलने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से खेलना है हमें आगे का हिस्सा। बढ़िया शुरुआत यहाँ पर, पहला ही शॉट दिन का 4 रन लगता हुआ। बांग्लादेश यहाँ पूरे मूड में है कि फाइट दी जाए, 2 दिन बचे हुए हैं यहाँ पे, 180 ओवर्स बची हुई हैं। बांग्लादेश अगर यहाँ पर खेलता है कुल मिला के यहाँ पे 60-70 ओवर मारता है और भी यहाँ पे 200 या 250 के आसपास रन, तो लीड चली जाएगी लगभग यहाँ पे 290-300 के आसपास, जो कि एक फाइटिंग टोटल है। खास करके लास्ट इनिंग में जब आप खेल रहे हो, आपको 20 ओवर का ही गेम प्ले बैटिंग बॉलिंग में मिलता है, तो वहाँ पे बड़ा रोल प्ले करेगा आज का दिन। खास करके ये सेशन जो चल रहा है इस वक्त, वो सबसे रोमांचक होने वाला है। कोशिश यही होगी यहाँ पर, रिप्ले हम जरूर देखेंगे, बढ़िया कोशिश की है, जरूर ड्रॉप हुआ, उसे कैरी नहीं कर पाया था इतना, लेकिन रिप्ले बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़े के लिए यहाँ पे रह गया है गेंद, वरना काम हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए काफी बढ़िया यहाँ पे कोशिश की थी, लेकिन कैरी नहीं कर पाए थे, कैच था नहीं मुझे पता है। ये देखिए कैरी कैच, देखिए वन बाउंस तो हो ही गई थी गेंद, उसमें तो कोई है ही नहीं शक, लेकिन अगर कैरी कर लेते तो ज्यादा मजा आता है यहाँ पे। अगली गेंद कोशिश यही है कि यहाँ पर मिडल ऑफ स्टंप पे रखी जाए, क्योंकि हाल फिलहाल मिथुन और हसन यहाँ पर कोई रिस्क के मूड पर दिख नहीं रहे हैं। अंदर आती गेंद जो सीधा सीधा स्टंप पे हिट हो रही है, सिर्फ उसी को ही खेलने की कोशिश देखने दिख रही है, बाकी सारी गेंदों को या तो लीव किया जा रहा है या तो फिर उसे डिफेंस कर दिया जा रहा है पूरी तरीके से। पहला ओवर आज के दिन का पूरा होता हुआ, स्पिनर विकेट नहीं ले पाए, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज की बात है। मेरे ख्याल से स्पिनर यहाँ पर बेहतर होने वाले हैं आज के दिन, वैसा प्रिडिक्शन है मेरा, अब कितना सही कितना गलत है वो तो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से मैं यही प्रिडिक्शन में करना चाहूंगा कि यहाँ पर स्पिनर्स जो हैं वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अश्विन को समझाने आने पड़ा है, 24 गेंदे हुई है, 75 रन दे चुके हैं, इतनी भी खराब गेंदबाजी थी नहीं है। देखिए अग्रवाल के यहाँ पर हाथों में जाके लगी है गेंद, संभलना होगा नहीं तो इंजरी अगर हो गई इनको तो फिर तकलीफ में आ जाएगी इंडिया। दूसरी बार बैक टू बैक यहाँ पर लगता है हसन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं भले आउट हो जाऊं, लेकिन यहाँ पर अग्रवाल को आउट करके मैं जाऊं। बैक फुट पे खेला हुआ शॉट, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। 84.4 गेंदे हो गई हैं यहाँ पे। पांचवी गेंद बहुत ही बढ़िया स्पिन इनपुट, लेकिन इसके बावजूद काफी अच्छी तरीके से गेंद को खेला है यहाँ पे हसन। यहाँ पे आखिरी गेंद खेलते हुए 85 ओवर की, 2 ओवर का खेल पूरा, आउट स्विंग की कोशिश है तेज गेंदबाज के साथ, कंटिन्यू कर रहे हैं गेंद हमारी आज की गेम। कोई रन नहीं, गैप में चला गया है, लेकिन यहाँ पर चेज चाल जारी है यहाँ पर फील्डर का, लॉन्ग ऑफ की तरफ से 2 रन निकाले हैं यहाँ पर मिथुन ने। पिछले ओवर में ज्यादा कुछ रन बने नहीं थे, स्ट्राइक को रोटेट कराया था, उसके बाद ज्यादा रन बना नहीं पाए थे हसन। कोशिश जारी है यहाँ पे कि यहाँ पर रन बनाए जाए, 1 रन कंफर्म है, स्ट्राइक को किया है रोटेट, इसी के साथ 49 पे पहुंच गए, लीड 50 की हो गई है।
कम से कम 250 और लगाने होंगे, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ इस मैच में, थोड़ा बहुत फाइट रखने के लिए, इस मैच को पांचवे दिन ले जाने के लिए यहाँ पर कम से कम आपको 300 देना होगा टारगेट। क्रॉस सीम यॉर्कर की तैयारी, अभी तक हमने गेंद डाली नहीं एक भी यॉर्कर, अब उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ अलग होके आएगा। लेकिन फ्लिक शॉट, डीप में प्लेयर मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा, चार गेंदें हुई हैं, चांसेस हैं मिथुन के 50 इसी ओवर में होने के। पार्टनरशिप होती हुई 50 रनों की यहाँ पूरी, दोनों बैट्समैनों ने यहाँ पर सातवें विकेट के लिए एक बढ़िया रन ऐड किए हैं स्कोर में, और जरूरत भी इसी तरह की इनिंग की है। अगर टॉप ऑर्डर आपका चल नहीं रहा है तो आपके जो भी बचे खुचे खिलाड़ी हैं उन्हें मिलकर पारी को आगे ले जाना होगा। तेज गेंदबाजी की कोशिश यहाँ पे, लेग स्टंप पे रखा है गेंद, 86 ओवर यहाँ पूरे होते हुए। स्पिनर एक बार आए हैं फिर यहाँ पे, तेज गेंदबाजी की कोशिश है, फ्लाइट बहुत ज्यादा कराने वाले हैं यहाँ पे। हाल फिलहाल कोई रन नहीं मिलेगा। आम बॉल की तैयारी, रविचंद्र अश्विन 25 ओवर डाल चुके हैं, 26 ओवर चल रहा है इनका। लाइन तो काफी बढ़िया रख रहे हैं, मिडल ऑफ, लेकिन सवाल ये है कि बैट्समैन कैसे बीट होगा। अब चाहे कितनी भी अच्छी गेंद कर दो, अगर बैट्समैन ना गलती नहीं कर रहा है यहाँ पर, या तो आपकी गेंद इतनी खास हो तो एक बात हो सकती है, लेकिन अगर वो चीज नहीं है तो फिर बैट्समैन की गलती का इंतजार करना होगा। बढ़िया गेंद कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वही है सवाल कि अगर बैट्समैन बीट होगा तभी यहाँ पे चांसेस हैं विकेट के, वरना जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। दूसरा है ओवर इनका इस स्पेल का, आज के दिन की शुरुआत का। स्विफ्ट शॉट, रन का कॉल है, 50 यहां पर पूरे होते हुए, बाउंड्री के लिए जा रहा है ये गेंद, कोशिश जारी है फील्डर की, लेकिन बाउंड्री के साथ यहां पे एक बढ़िया इनिंग पूरी की है 50 के रनों की। नॉट आउट है अभी, 95 गेंदों में 53 रन के सेलिब्रेशन से ही आपको पता लग जाएगा कि कितना ज्यादा खुश है परफॉर्मेंस से अपनी टीम के। फ्लाइट कराइए गेंद अगली, मिडिल स्टंप पे कोई रन नहीं मिलता हुआ यहाँ पर। आम बॉल की तैयारी, बढ़िया डिफेंस, रनों की कोई कोशिश नहीं है, ओवर को किसी तरह से निकाला है यहाँ पे। चार ओवर का खेल पूरा हुआ है यहाँ पे, 83 से 93 ओवर कंफर्म, एक सिक्स भी लगाया इन्होंने, तो काफी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे के निकले हैं यहाँ पे। बाउंड्री आज सिंगल, सिक्स तक लगाया गया टेस्ट मैच की इनिंग में, ऐसे इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट है नहीं, 97 गेंदों में 53 किए हैं, इसके बावजूद काफी बढ़िया जो चार्ट बन के आया है वो बहुत ही लाजवाब है यहाँ पे। हसन दूसरी तरफ 42 गेंदों में 26 रन है, ये भी अपनी तरफ से पारी में साथ दे रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं यहाँ ये मायने नहीं रखता आप कितनी गेंदें ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी गेंदें यहाँ बची हुई हैं। ऊपर से बांग्लादेश यहाँ पर मैच विनिंग पोजिशन में तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर वो अगर मैच जीतने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ड्रॉ की कोशिश भी यहाँ पे बल्कि कम लग रही है, क्योंकि पूरे दो दिन बचे हैं आप कह लो, आप पांच ओवर को छोड़िए, आप लोग 180 ओवर्स होते हैं दो दिन में, और आप अभी भी कह सकते हो कि इतनी ओवर तो लगभग है ही। ये बढ़िया गेंद मिडल पे रखी थी, बीट हुए थे, शायद पहले ही खेल गए थे गेंद को, नजदीक आने से पहले ही, और उसी के कारण बीट हुए हैं। एज लगती तो शायद यहाँ चांस बन सकता था। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स यहाँ पे गेंदबाज का अपने फॉलो थ्रू में, इतना आसान नहीं होता है तेज गेंदबाज के लिए आना और उसके बाद अपने उसी अपने बॉलिंग एक्शन को कंप्लीट करके उसे कैरी करना। फुल लेंथ गेंद इस बार, लेकिन बीट करने में सफल हुए हैं, ज्यादा स्पीड है नहीं शॉट पे, टाइमिंग की कमी दिख रही है, और फील्डर भी कितनी है, फील्डर को क्या हो रहा है, हाँ कंफ्यूज दिखे फील्डर थोड़े से। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से बीट होते हुए, बाउंस की कोशिश थी, सही ढंग से पड़ी नहीं, अपील जरूर हुई है यहाँ पर। कभी कभी कुछ चीजें इस गेम में जरा भी समझ में नहीं आती, वह अच्छी गेंद नहीं है ये, गेम के लॉजिक के हिसाब से ये अच्छी गेंद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा स्पिन स्पिन का जो इनपुट है वो कुछ खास नहीं है, गेंद जो रिलीज की है वो भी बहुत ही खराब तरीके से की है, इसके बावजूद बल्लेबाज बीट हो रहा है, ये चीज मेरे कभी कभी समझ में नहीं आती है। देखिए अभी भी स्पिन इनपुट जो है वो वीक है, रिलीज बहुत लेट किया है मैंने। रविचंद्र अश्विन डिजर्व तो करते हैं विकेट, ये बात मैं मानूंगा यहाँ पे, रविचंद्र अश्विन यहाँ पे 100% विकेट डिजर्व करते हैं चाहे कुछ भी हो। 88.3 ओवर आज के दिन का यहाँ पे चलता हुआ, छठा ओवर चल रहा है आज के दिन का।
बढ़िया शॉट, दो रन के कॉल के लिए ऑलरेडी बहुत क्विक रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, दो रन से ही संतुष्ट दिखाई देते हुए। स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे हसन ही, मिथुन वहाँ पे 53 पे खेल रहे हैं, 29 पे खेल रहे हैं इस समय हसन। अश्विन यहाँ पे अपनी ओवर करते हुए पांचवी गेंद डाली है, बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। आखिरी गेंद की कोशिश, टॉप स्पिन करा रहे हैं, उम्मीद है कि मिडिल स्टंप के आसपास रहे गेंद और बैट्समैन बीट हो जाए, लेकिन जो आप चाहते हैं वैसा होगा नहीं यहाँ पे। एक रन के साथ यहाँ ओवर पूरा हुआ है कि अभी भी जो स्ट्राइक है वो हसन के हाथों में ही रहेगा। अधिकतर गेंदें जो हुई हैं आज के दिन गेंदबाजी में वो अधिकतर यहाँ पर हसन ने ही खेला है, ज़्यादा मौके मिले नहीं है यहाँ पर हमारे मिथुन को, और जो मौके मिले हैं वहाँ पर उन्होंने रन बनाए नहीं है क्योंकि लीव बहुत सारी गेंदें की हैं। सो ज़्यादातर रनों का जो कंट्रीब्यूशन आया है वो हसन की तरफ से आया है। ये एक और बढ़िया शॉट, प्लेयर मौजूद है डीप में, सिंगल ही मिलेगा, स्ट्राइक को देंगे मिथुन को। अब गेंदबाजी में ईशान शर्मा एक तो मौके क्रिएट किए थे लेकिन अभी भी वो बात नहीं बनी है जिसका इंतजार है हमें। 61 रनों की लीड, एज लगता हुआ, गेंद चार रनों के लिए जाती हुई, रोहित शर्मा गेंद के पीछे लेकिन तीन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर तीन रन निकाल लिए हैं। 89.3 ओवर्स यहाँ पे होते हुए तेज गेंदबाजी कंटिन्यू रहेगी यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया डिफेंस दिखाया है हसन ने 55 गेंदों में 31 रन, बहुत ही परफेक्ट मैं कह सकता हूँ इन दोनों की बैटिंग, जरूरत पड़ रही है तब रन ले रहे हैं, टेस्ट मैच के हिसाब से एक आइडियल इनिंग खेलते हुए दोनों। बढ़िया इनस्विंग हुई है, अपील किया दबाव बनाने के लिए हसन के ऊपर, पर आउट नहीं है क्योंकि विकेट मिसिंग है पूरी तरीके से। एक बार फिर आउट स्विंग की कोशिश, एक नॉर्मल स्पीड से गेंद कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं है, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाया यहाँ पे, शायद दो रन कम से कम स्कोर कार्ड में यहाँ पे ऐड किए हैं। और ओवर यहाँ पे पूरा होता हुआ, 90 ओवर यहाँ पूरे हुए, 7 ओवर हमने डाल दिए यहाँ पे। डे 4 चल रहा है, दूसरा टेस्ट मैच है, इंडिया ऑलरेडी एक टेस्ट मैच जीत चुका है, यहाँ पर अगर ये मैच जीतता है इसी के साथ वाइट वॉश होगा और टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस जीत के साथ। रियल मैच में तो भाई कोई चांस ही नहीं लग रहा है बांग्लादेश का, अगर जैसा कोलकाता टेस्ट मैच हुआ था 2001 में ईडन गार्डन में, वैसा कुछ परफॉर्मेंस अगर दिखाती है बांग्लादेश जैसा इंडिया ने दिखाया था तो कुछ चांसेस हैं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, उसके लिए भी कम चांस है क्योंकि 6 विकेट बचा है, 6 विकेट गिर गए हैं, 4 ही बचे हैं, ऊपर से चुभ रन हैं, ऊपर से ट्रायल भी बाकी है, लीड चढ़ाना तो छोड़िए, अभी रियल मैच में ट्रायल चल रहा है और 4 विकेट हाथ में से, और इंडिया अपने होम कंडीशन में बहुत जबरदस्त फॉर्म में। और दुख की बात है यार कि डे नाइट टेस्ट मैच अपना चौथा तीसरा दिन भी लगभग पूरा नहीं देख पाएगा, ये एक बहुत ही अजीब बात है रियल। और सबसे सरप्राइज की बात है कि हमारी गेम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा गेम का टेस्ट मैच लंबा चल रहा है और रियल टेस्ट मैच छोटा हो गया है, ये तो अभी तक हो ही रहा है कि अगर रियल मैच चार दिन का है तो हमारा 3 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, 3 दिन का है तो हमारा 3 दिन या 3 दिन में ही ख़त्म हो जा रहा है, या 2 दिन के एंड में लगभग पता चल जा रहा है। यहाँ पे 2 ओवर और हम लोग कम से कम करने वाले हैं, यहाँ पे ऐसा होगा तो मैं पूरे 20 ओवर कर दूंगा यहाँ पे। मैं चाहता यही हूँ कि मैं ये मैच आसानी से ना जीतूँ, मैं फाइट बैक दे बांग्लादेश, मैं मन से यही चाहता हूँ। डे 5 हम लोग देखें, इन स्विंग की कोशिश यहाँ पे देखने को मिलेगी, स्लोअर गेंद है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। हुक शॉट की कोशिश, हाफ पिच थी तो यहाँ पर हुक शॉट जैसा खेल लगा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक को किया है रोटेट, मिथुन वापस से स्ट्राइक पे आते हुए, दोनों में फर्क देखें अगर रनों का जो मैंने पहले नहीं देखा था, 22 रनों का फर्क है दोनों में, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ईशान शर्मा फुल ऑन अलर्ट मूड में है, इनस्विंग की कोशिश एक बार फिर होगी, तेज गेंदबाजी नहीं, स्लोअर के साथ जा रहे हैं इस बार, बेहतर शॉट पहले से ही, लेकिन सिंगल ही मिलेगा एक बार फिर यहाँ पर, और ओवर थ्रो होता हुआ, ये सरप्राइज हुआ है, क्यों हुआ है ओवर थ्रो ये समझ में मेरे को भी नहीं आया। रोहित शर्मा कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, रिप्ले दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये गलत दिखा, ये कीपर पता नहीं कहाँ खोए थे ऋषभ पंत, यहाँ पर सिंगल था, एक्स्ट्रा 4 दे बैठे हैं यहाँ पे, जाडेजा कुछ और ही कर रहे हैं काम यहाँ पे,
और यहाँ पर कीपर से काफी दूर शायद बैट्समैन की नजर के बीच में आ गया था, इसलिए वो देख नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे कि क्या करना है, किधर से गेंद आ रही है। फील्डिंग पोजीशन तो कई कई जगहों पे हमने इतनी परफेक्ट रखी है कि जहां पर रन आना कंपलसरी था वहां पर भी रन रुक गए आना, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसी के साथ 92 ओवर पूरे हो चुके हैं, 9 ओवर का हमने गेम प्ले कर दिया है। यहाँ पे आखिरी ओवर की तरफ हम पढ़ेंगे। हम लोग अपने गेम प्ले को दो सेशन में डिवाइड करते हैं, 10-10 ओवर के, डिपेंड करता है अगर लगातार 20 खेलना है तो लगातार 20 खेल लेते हैं, और लगता है कि जरूरत नहीं है अगर तो हम लोग गैप रखते हैं, 10 ओवर खेलते हैं, फिर 10 ओवर का ऑटो प्ले और फिर 10 ओवर गेम प्ले। कई लोगों के मन में ये होगा कि पूरा खेला करो। बढ़िया गेम, लेकिन डॉट जाएगा यहाँ पे। कई लोगों को कहना है कि पूरा मैच खेला करो, लेकिन सवाल यही होता है कि अगर आप लोग देखेंगे तो ही मैं पूरा कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 90 ओवर भी, मैं 90 ओवर भी अपलोड कर सकता हूँ पूरा का पूरा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है मेरे लिए वो करना। लेकिन सवाल बस ये है कि आप लोग अगर पूरी वीडियो देखें तो मतलब है एज लगता हुआ। फाइनली और किस्मत देखिए, जहां पर प्लेयर नहीं है जिस पोजिशन में वहीं से कैच गुजरा है, जहां से ऐसा लग रहा था कि यार यहां तो कोई चांस ही नहीं है एज कैच होने, प्लेयर के होने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एज आएगी नहीं, उसी पोजिशन में जाके कैच उछला है, ये चीज बहुत ही अजीब है। अपील, लेकिन बैट एंड पैड है, अपील करना बेकार रहेगा यहाँ पे, बैट एंड पैड है, कोई जरूरत नहीं है डीआरएस के बारे में सोचने की भी यहाँ पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी नजदीक, लेकिन अभी भी यहाँ पर लीव किया है आसानी से हसन ने। 10 ओवर का हमारा गेम प्ले का पहला हिस्सा पूरा होता हुआ, उमेश यादव भी यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है, किस्मत देखिए हमारी गेम। सेशन के पूरा होते ही हमारे नए गेंदबाज आ गए हैं गेंदबाजी में, मुझे लग रहा है सामने की तरफ से शायद अश्विन को कराएंगे, मैं ईशान शर्मा के सामने अश्विन को ज़्यादा रखना चाहूँगा, प्रेफर करूँगा अभी के लिए, अभी की सिचुएशन जो है जिस तरह से तेज गेंदबाज और स्पिनर के सामने हमारे अपोनेंट खेल रहे हैं उसको देख के तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे सामने अगर कोई आता है, हम लोगों को अगर ऑप्शन मिलता है गेंदबाजी सिलेक्ट करने का तो, जो कि है लेकिन ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर स्पिनर आए तो वो बेहतर होगा। एक और डॉट गेंद डाला है अभी, बड़ा शॉट फाइनली दिखता हुआ, इतना परफेक्ट खेल नहीं पाए थे लेकिन बाउंड्री मिली है यहाँ पे, एज जैसा लगा था, मिडलिंग कर नहीं पाए थे, किनारा लेके गई है गेंद, लेकिन फिर भी ठीक है, अब चौका मिला है, रन बने यहाँ पे, इतना बड़ी इतना क्लोज था भी नहीं कैच की, अगर होता तो लग जाता। बहुत ही बढ़िया गेंद, स्टंप के नज़दीक से गई है, कोशिश जारी है यहाँ पर किसी तरह से सरप्राइज किया जाए बैट्समैन को, मिथुन को, जो 66 पे पहुँच गए इस वक्त। यहाँ पे डॉट खेलने मिला है, देखना बहुत जरूरी होगा कि सामने से कौन गेंदबाजी कर रहा है, मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरफ से शमी, दूसरी तरफ से उमेश यादव, और अभी अभी ईशान शर्मा, और बहुत बढ़िया गेंद, अपील का फिर एक ड्रामा किया यहाँ पर मोहम्मद शमी ने, जो कि अभी हाल फिलहाल सफल नहीं हुआ है। अगली गेंद तेज करने की कोशिश है, कोई रन नहीं यहाँ पे, इंस्टिंग की कोशिश, तेज गेंदबाजी एक बार फिर देखने को मिलने वाली, तेज गेंदबाजी, बाउंसर दिखाई है यहाँ पे खेल के, बहुत बढ़िया लीव किया है गेंद को क्योंकि लेग साइड पे थी, जनरली लेग साइड की गेंद को खेलना प्रेफर करते हैं लोग इस गेम में, इसके बावजूद लीव किया है उसको, एज लगता हुआ एक बार फिर, स्लिप पोजिशन में इस तरह से एज जा रहा है कि वो खेल रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है कि सोचा समझा शॉट ही, एज लगी नहीं है यहाँ पर। अगर एक बार और ऐसा होता है तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, 77 पे 2 विकेट ले गए शमी यहाँ पे, तो आज के दिन तो नहीं लेकिन इस इनिंग में सफलता उनके नाम है, 2 विकेट की सफलता उनके नाम है, और दूसरे सफल गेंदबाज हैं आज के दिन यहाँ पे, आज के इस इनिंग में गेंदबाजी में एज भी लगा है, लेकिन ओवर हाल फिलहाल के लिए पूरा हो गया है बिना किसी विकेट के। उमेश यादव दूसरी तरफ से 18 ओवर करने के बावजूद कोई बड़ी सफलता देखने को नहीं मिली है उनको। मिथुन यहाँ पे 112 गेंदों में 66 रन, एक बड़ी इनिंग की तरफ बढ़ते हुए, अगर इन्हें मौका मिला, साथ मिला बराबर का, तो देखने को मिल सकती है एक बड़ी इनिंग, और सबसे बड़ी बात लाजवाब इनिंग होगी, वो डिफरेंस अभी 23 रनों का है दोनों में,
हसन भी बढ़िया खेल रहे हैं, 50 के करीब हैं, 40s में पहुंच चुके हैं इस वक्त। शांत शर्मा हाल फिलहाल साइड चेंज करने जा रहे हैं हम लोग। मुझे लग रहा है इस बंदे को अगर कैदे खिलानी है तो इसे बैट पे तो देना ही पड़ेगा, वरना ये गेम खेलने से रहा। तो साइड चेंज करने का ट्रिक अपनाया है, बहुत ज़्यादा वाइड डाल दिए गेंद, एम्पायर की तरफ नज़र है, वाइड का इशारा किया है। यहाँ पे आउट स्विंग की कोशिश एक बार फिर देखने को मिल रही है। यहाँ पे फ्लिक शॉट यहाँ पे लगता हुआ, सिंगल मिलेगा। इन स्विंग की कोशिश यहाँ पे उमेश यादव, 1900 ओवर चल रहा है इस वक्त उमेश यादव का। सबसे बड़ी बात यह है कि 1900 ओवर करने के बावजूद कोई सफलता उनके नाम नहीं बोल रही है। पिछली इनिंग में भी ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिला था गेंदबाजों की तरफ से। हम देखेंगे बाद में स्कोर कार्ड जब दिन अंत होगा, क्योंकि दिन के साथ ही साथ आज लगभग टेस्ट मैच भी एंड होने वाला है, ये वाला हमारा, और सीरीज भी एंड होगी दोनों की, इंडिया और बांग्लादेश की। एक और सफल ओवर यहाँ पे निकलता हुआ बांग्लादेश के लिए, 13 ओवर हो गए हैं देखते देखते, 77 ओवर अभी भी बाकी हैं। दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। इन स्विंग की कोशिश है, इस बार हट गए थे, बैकफुट पैर को अपने पीछे वाले पैर को अपने राइट साइड आगे वाले पैर को सॉरी पूरी तरीके से पीछे ले गए थे। ये देखिए कितना बढ़िया यूज किया, सिर्फ और सिर्फ बॉडी अपने बॉडी स्ट्रक्चर का यूज करके इसे बाउंड्री भेजी है। गेंद सिर्फ ये किया था कि पीछे से हट गए थे गेंद के, बैट को आगे ले गए थे बॉडी के, पूरा मूव किया था पीछे की तरफ और फिर 4 रन बटोरे हैं यहाँ पे। एक तरीके से बहुत ही लाजवाब शॉट यहाँ पे दिखाया इन्होंने। अग्रवाल यहाँ पे, ये देखिए क्या कैच चल रहा है क्या, अरे ये क्या है, फील हुई है जरूर लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज हुई, ये बॉडी पे लगी है। मैं रिप्ले देखना चाहूंगा इसका, ये हुआ क्या है, क्यों यहाँ पे कैरी का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आया है। थोड़ा बैक जाते हैं यहाँ पे, रिप्ले समझ नहीं आ रहा है मेरे को इसका, थोड़ा जूम भी करते हैं यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर कैच तो बिल्कुल भी नहीं था, कैच तो ये बिल्कुल भी नहीं था, ये तो कन्फर्म है। यहां पर ये कैच तो बिल्कुल भी नहीं था, कैरी का ऑप्शन जरूर आया था, गेंद को कैरी कर सकते थे हम लोग। तेज गेंदबाजों को बहुत इरिटेट किया इन्होंने, जिस तरह से गेंदों को लीव किया है वो बहुत ही इरिटेटिंग है देखने में, क्योंकि हम लोग गेंद को कर रहे हैं, कम से कम इतनी उम्मीद तो हम लोग लगा रहे हैं कि बंदा कम से कम कोशिश करेगा खेलने की, वो भी देखने को नहीं मिल रही है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीजें हैं आज के टेस्ट मैच की। नहीं कि यहाँ पे अपील हुई है, बहुत ही क्लोज लग रहा है इस बार मुझे, नॉट आउट दिया एम्पायर ने, मैं DRS ले रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन DRS यहाँ लिया जा रहा है। विराट कोहली ने इशारा कर दिया यहाँ पे लेने का DRS, और अब हम चेक करेंगे। नौ बॉल तो है ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो एम्पायर दे ही देता, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 9 बॉल के कारण यहाँ पर रिव्यू कैंसिल हुआ हो। रियल मैच होता तो थोड़ा बहुत चांसेस रहता है। बैट एंड पैड की बात जहां तक हो रही है, नहीं है, मुझे नहीं लगता है बैट एंड पैड है, हम लोग चेक करेंगे डायरेक्ट डिसीजन। अरे रे, ये तो यहां पर तो एकदम अलग ही रिप्ले देखने को मिल रहा है। ये देखिए अभी भी है इम्पैक्ट, एम्पायर्स कॉल नाउ। अरे थोड़े के लिए रह गया यहां पर विकेट मिसिंग, एक बॉल की भी डिफरेंस से भी कम की दूरी रह गई है यहाँ पे, नॉट आउट देते हुए यहाँ पे आउट स्विंग की कोशिश यहाँ पर होगी। तेज गेंदबाजी यहाँ पर दिखा रहे हैं लेकिन विकेट लेने में सफलता नहीं मिली है। एक और है लगता हुआ गेंद, प्लेयर होने के बावजूद बाउंड्री के पार जाएगी, 70s में पहुंच गए इसी के साथ, और इन दोनों को हाल फिलहाल आउट करने के लिए हमें लगता है हद से ज़्यादा लक की जरूरत पड़ने वाली है। उमेश यादव की स्ट्रेटेजी तो बहुत बढ़िया है। एक और बढ़िया गेंद, अपील की गई है पर विकेट मिसिंग लग रहा है साफ साफ। यॉर्कर की कोशिश, तेज गेंदबाजी यहाँ पे दिखने वाली है लेकिन बढ़िया शॉट खेला है यहाँ पे, यॉर्कर गेंद को पहले ही पढ़ लिया था। इस बार हम लोग जानबूझकर एक फुल लेंथ गेंद डाल रहे हैं, देखना चाहते हैं किस तरह से खेलते हैं हमारे मिथुन जी। बढ़िया खेला, एक्चुअली फुल लेंथ गेंद गई भी नहीं है, ये तो काफी हद तक गिर गई है, आ गई
चार चार गेंदें हो चुकी हैं, इसके बाद टोटल ओवर बाकी रहेंगे पांच, उसके बाद हमारा ऑटो प्ले आएगा। मैं कम से कम ठीक है, विकेट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं यही चाहता था, यही हो रहा है जो चाह रहा था, विकेट ना ही गिरे, अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ आज पूरे दिन ये दोनों ही खेलें, कल के दिन हम लोग अपनी बैटिंग से ये मैच जीतें, ना कि गेंदबाजी से। मैं नहीं चाहता गेंदबाजी से, बहुत भरोसे हम लोग जीते। ट्रिक्स ब्रेक का वक्त है यहाँ पे, कौन आया देने बता दो, आप लोग जानते हो इनको तो, इंडियन टीम के 12th मैन है ये। डे नाइट टेस्ट मैच था और यहाँ पर बॉल बॉय की भूमिका में है महेंद्र सिंह धोनी। पांच ओवर बाकी यहाँ पे, पहली गेंद एज नहीं लग रहा है, मुझे लगता है साइड चेंज करनी पड़ेगी या तो फिर स्पिनर को कंटिन्यू लाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तेज गेंदबाज तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ऑफ साइड में बेचारे, ऑफ साइड के नजदीक रखते हैं यहाँ पे 50, देखते देखते मेहदी हसन ने पूरा कर लिया 82 गेंदों में, एक बहुत ही बढ़िया पारी। स्ट्राइक रेट भी टेस्ट मैच के हिसाब से बहुत ही बढ़िया। बढ़िया शॉट, रिस्क क्यों नहीं ले रहे हैं ये मानना पड़ेगा इनका, कोई ऐसे शॉट, एक भी ऐसे शॉट देखने को नहीं मिले कि जिसको आप अफसोस कर सको। एज लगी है कुछ, पर थोड़ा बहुत तो होगा यहाँ पे, एज तो लगेंगी थोड़ी बहुत। चौथी गेंद यहाँ पे, तीन गेंदें डाल दिए, कोई किसी तरह का दबाव नहीं है बांग्लादेशी बैट्समैनों पे, अच्छी फाइट देते हुए यहाँ पे। पहली इनिंग में भी इन्होंने बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन इंडियन बैट्समैन ने उनसे भी बेहतर शुरुआत दे दी थी अपनी पहली इनिंग में, और उसी के कारण यहाँ पर पीछे दिख रही है बांग्लादेश। बैक फुट पे खेला हुआ शॉट, आखिरी गेंद ओवर का मोहम्मद शमी। मैं चाहता ये हूँ कि स्पिनर आए, अगर नहीं आएंगे तो मैं ले आऊंगा इसके बाद। अग्रवाल काफी घबरा गए थे इस गेंद से, शॉट से एकदम से उनकी तरफ था। ये देखिए इनिंग है, हर तरफ रन है इनके, तो पीछे भी आगे भी, बढ़िया इनिंग खेली। सिक्स जरूर नहीं है लेकिन ठीक है, टेस्ट मैच है, आप सिंगल डबल के थ्रू भी बड़े स्कोर बना सकते हैं। उमेश यादव को हम लोग हटाएंगे, उमेश यादव की जगह यहाँ पर जो गेंदबाज आने वाले हैं वो हैं रविचंद्र अश्विन को हम कर चुके हैं ट्राई, रविंद्र जाडेजा को ला रहे हैं यहाँ पर। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आएगा राइट आर्म के साथ, तो हम ऑलरेडी शुरू के ओवर कर चुके हैं, यहाँ पर दो स्लिप लगाई गई है। पहली गेंद हम कराएंगे बहुत ज़्यादा फ्लाइट, थोड़ा सा हम भरोसे भी हैं किस्मत की, ये बात भी मैं मानूंगा। ये मेरा जो यहाँ पर है आइडिया वो यही है कि मैं मिडल के आसपास गेंद करूँ, मिडल स्टम्प के आसपास, पर बैट्समैन बीट हो जाए या तो पैरों पे जाके लगे या तो फिर वो गेंद जाके लगे स्टंप के अंदर। हमारे साथ हुआ है, हमने भी किया है, तो चांसेस तो यही है, उम्मीद भी यही है मेरे को ऐसा ही कुछ हो, इतना होता है वो देखना होगा। स्विप शॉट, डीप में प्लेयर मौजूद, सिंगल ही आएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। लीड अच्छी खासी हो गई है, विकेट का अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यहाँ पे अभी एक विकेट भी खोएगी तो फिर बांग्लादेश वापस से पीछे चली जाएगी। 100 रन की लीड और आप 50 रनों की लीड, ज्यादा फर्क नहीं डालेगी इस मैच में। मैच पे इंपैक्ट तभी देखने को मिलेगा जब लीड चली जाएगी 300 के आसपास, उससे पहले आप अगर 150 भी की लीड लेते हो, 200 की लीड लेते हो, कोई मतलब नहीं है, या तो फिर गेंदबाजी में आप इस तरह का कमाल दिखा दो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद, सच डिफेंस नहीं करना था, पता नहीं मुझे ऐसा लगा सच डिफेंस नहीं करना चाहिए था। बैक फुट पे खेला हुआ शॉट, ऑफ साइड में गेंद है, 100 ओवर इसी के साथ पूरे हो गए हमारे। 3.8 के रन रेट से खेल रही है यहाँ पे, बाउंड्री के लिए जाता हुआ शॉट, प्लेयर दोनों तरफ से आ रहे हैं लेकिन रोकने में दोनों रहे हैं फ्लॉप। एक बार फिर से वही शॉट खेला है, सिर्फ सिर्फ गेंदबाज की जो स्पीड है उसका फायदा उठाया, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद शमी, एंगल भी उनका ऐसा ही बन रहा है। ये हुई गेंद, ये गेंद करनी है, थोड़ा सा और लाना होगा अंदर की तरफ तब असली मजा आएगा इस गेंद में। इन स्विंग कराइए इस बार, अग्रवाल फिर से बेचारे अपने शरीर पे झेलते हुए शॉट को रोका है यहाँ पे, एक रन कम से कम, या तो डॉट गेंद होती कोई डीप, उसके ठीक उसी के पीछे एक प्लेयर खड़ा है यहाँ पर, कोई रन नहीं मिलेगा। बैक फुट पे था ये शॉट, प्लेयर मौजूद 38 के अंदर, गुड लेंथ की कोशिश होगी यहाँ पे। फिर से एक बार अग्रवाल काफी घायल हो रहे हैं यहाँ पे,
इस गेम में अब फीचर्स होने चाहिए, इंजरी के और ये सब फीचर होने चाहिए, तब असली मजा आएगा गेम में। अभी के लिए यहाँ पर डॉट के साथ यहाँ पे ओवर पूरा हुआ है। 12 गेंदे आखिरी हमारे आज के दिन की, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि 12 गेंदे जो है ये आखिरी हो इस टेस्ट मैच के भी। इंडियन टीम ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है आज के दिन 200 रन के ऊपर तो चेज कर लेगी। बड़े शॉट, वाह, ये एक नया ही रुख देखने को मिला है मिथुन की बैटिंग में। अभी तक तो बहुत ही सब्र से खेल रहे थे, यहाँ तक कि गेंदों को टच भी नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये शॉट ने सारे चांसेस ओपन कर दिए हैं हमारे लिए। अगर ये लोग रन बनाएंगे तो हमारे पास मौके भी आएंगे आउट होने का, आउट करने के लिए। मैं तो चाहता हूँ ये अग्रेसिव खेलें, चार बार ये अग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि चार विकेट इनके पास बची है। चार गलतियाँ ये लोग करेंगे ये हार जाएंगे, और रन बनाने के लिए तो इनको बहुत अग्रेसिव शॉट खेलने पड़ेंगे। दूसरे की तैयारी, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिलीवरी डालने वाले हैं हम लोग, कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं है, गेंद में से हल्का सा स्पिन कराने की कोशिश थी, दूसरे की तरह ऑफ स्पिनर हैं तो लेग स्पिन कराने की कोशिश थी। फ्लाइट गेंद बहुत ज़्यादा बैकफुट पे गए हैं, बैलेंस इतना ज़्यादा दिखा नहीं है, पर कॉन्फिडेंस भरपूर है, ये आपको मानना पड़ेगा इनका, मिथुन का कॉन्फिडेंस तो भरपूर है इनमें। सिंगल लेते हुए और इसी के साथ आखिरी छह गेंदे अब शुरू होंगी, हमारा आखिरी ओवर आज के दिन का, आज के गेम प्ले का। शांत शर्मा को बुलाया गया है यहाँ पे, 24 ओवर 101 रन 3 विकेट है। आज के दिन के शायद नहीं, आज के दिन के सबसे सफल गेंदबाजी है ये। कैच के लिए कॉल किया है, पर क्यों, कहाँ से कैच लग रहा है आपको ये? सिंगल से संतुष्ट, सिंगल के अलावा कुछ था भी नहीं यहाँ पे। आउटस्विंग की कोशिश होने वाली है यहाँ पे, तेज गेंदबाजी एक बार फिर देखने को मिलेगी। डॉट गेंद एक बार फिर से, आखिरी चार गेंदे, देखते कितने रनों पर रुकते हैं ये दोनों। 80s पे पहुंच गए हैं यहाँ पर, और वहां पर 50 पूरे किए थे हसन ने, यहाँ पे एज लग जाती काम हो जाता। देखिए पता है यहाँ पर इनको, पुजारा को पता है कि कितना बड़ा मौका है यहाँ पे, अगर एक विकेट हम गिरा देते तो ऑटो प्ले में तो फिर बांग्लादेश का कोई चांस ही नहीं बनता। ऐसे भी नहीं बनता है, ऐसे भी मुझे मालूम है ऑटो प्ले में चांस नहीं बनता है ज्यादा। दो रन का कॉल है, नहीं लिया है, लेकिन गेम का जो AI है वो काफी कमजोर दिखता हुआ यहाँ पे, कमी जो है वो पता चल रही है उसकी। तेज यॉर्कर की कोशिश यहाँ पे, स्लोअर यॉर्कर की, इसके बाद हम तेज यॉर्कर डालेंगे। ये देखिए कहाँ कहाँ की गेंदे लीव कर रहे हैं। मेरा बस यही एक सपना है यहाँ पर इस गेम में कि मैं एक बार इन भाई साहब को बोल्ड करूं। ये लीव कर रहे हो गेंद को और ये गेंद सीधा स्टंप में जाके घुसे तो मजा आ जाएगा। इस बार डाली थी अंदर स्टंप के, लेकिन उसे सिंगल के लिए भेज दिया है विकेट में, डीप में। और इसी के साथ हमारा गेम प्ले पूरा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है ऑटो प्ले, और मैं यही चाहूंगा यहाँ पे सिमुलेशन में कि देखते हैं 10 ओवर पहले हम सिमुलेट करते हैं। अरे रे, ऑल आउट हो गई, गड़बड़ हो गया, टारगेट कितना मिल रहा है ये मैं नहीं चाहता था। मयंक अग्रवाल आए बैटिंग करने, पहली गेंद हम खेलेंगे, उसके बाद इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। 124 रनों की लीड है इंडिया के पास, यानी 124 रन का टारगेट है। अब पहला ही शॉट यहाँ पे अग्रवाल के बल्ले से सिक्स जा रहा है, दिन खत्म भैया यहाँ पे। यहाँ पर आप भूल जाइए कि आप कुछ चांस है। स्कोर कार्ड हम देख लेते हैं बांग्लादेश का क्या हुआ है यहाँ पे। सेकेंड इनिंग अंत के तीनों बैट्समैन डक हैट्रिक लिए यहाँ पे, अरे नहीं हैट्रिक नहीं हो पाई, ये बदकिस्मती देखिए। अरे उसी ओवर में आउट हो गए ये लोग अगली ओवर में, ये बहुत ही अजीब बात है, अगली ही गेंद पे आउट। मसरफी मुर्तजा, मुसफिजुर रहमान, रुबेल हुसैन सभी गोल्डन डक लेके गए हैं। मेहदी हसन के आउट होने के बाद कोई टिक ही नहीं पाया है। ईशान शर्मा 6 विकेट ले गए, सरप्राइज विकेट यहाँ पर देखिए कौन कौन को लिया है, यहाँ तक कि मेहदी हसन को भी ले गया, मतलब चार गेंदों में उनकी चार विकेट गिरे हैं। देखिए 400 नीचे देख सकते हैं आप, 406 पे 7, 406 पे 8, 406 पे 9, 406 पे ऑल आउट हुई है। 2 विकेट निकाले मोहम्मद शमी ने, और सभी गेंदबाज रहे हैं फ्लॉप इस इनिंग में। और इंडियन टीम अब रन चेज करने वाली है 124 को, उसमें से 4 रन हमने बना दिए हैं। पहले 10 ओवर मुझे नहीं रहा, 10 ओवर स्किप करना बेहतर होगा यहाँ पे, कितने रन बनाए वो देखना जरूरी है सबसे पहले।
91 रन और करने, मतलब हम 20 ओवर तो आराम से सिमुलेट कर सकते हैं। गलत कैलकुलेशन ना हो मेरे से, बस वो देखना है मेरे को। चलिए लगभग लगभग ऑलमोस्ट परफेक्ट ही हुआ है मेरा सिमुलेशन। यहाँ पे 119, 5 रनों की रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 50 के करीब है चेतेश्वर पुजारा। मेरे पास दो ऑप्शन है, बड़ा शॉट खेलो और हाल फिलहाल यहाँ पे कम से कम मैं 2 रन लेके 50 पूरे करा दिए हैं यहाँ पे, और अगली गेंद पे बड़े शॉट की तैयारी होगी मेरी। पुजारा यहाँ पे 50 पूरे करते हुए, विराट कोहली सामने की तरफ है, इंडिया जीत के करीब, बस एक शॉट यहाँ पे बड़ा और यहाँ पर इंडिया टीम जीत जाएगी मैच। फील्डिंग सेटअप बहुत बेहतरीन, इतना आसान नहीं होने वाला है बड़ा शॉट लगाना यहाँ पर इस फील्डिंग सेटअप में। कोई रन नहीं, कोई जल्दबाजी भी नहीं देखने को मिली है। विराट कोहली खुद चाहते हैं कि पुजारा ही फिनिश करें इस मैच को, तो कॉल के लिए ना बोल दिया रन दौड़ने के लिए। हम देखना होगा, शॉट तो बहुत बढ़िया खेला है। और जी हाँ, मैच फिनिश होता हुआ यहाँ पे बाउंड्री के साथ, इंडियन टीम ने यहाँ पर 2-0 से वाइट टॉस कर दिया है। बांग्लादेश यहाँ पर इंडिया में एक और सीरीज हारता हुआ। निराशाजनक परफॉर्मेंसेस, खास करके जो अंत के 3 बैट्समैन थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया है। क्योंकि आपके यार लोअर ऑर्डर जो होते हैं, टेल एंडर्स की जो शुरुआत होती है, टॉप ऑर्डर होता है उसमें, उन्होंने बहुत बढ़िया खेला था। इसके बावजूद अगर आप टीम को जिता नहीं पाए हो तो फिर उससे ख़राब क्या होगा, एटलीस्ट जिताना तो छोड़िए। यहाँ पे अगर 200 रन और होते तो ये लगभग हमारा बीच का सेशन दूसरा ख़त्म हो गया था, मतलब 5वां दिन तो हम लोग देख ही लेते हैं अगर 200 रन और करने होते तो। बैटिंग कार्ड आखिरी इनिंग के बारे में हम देखें तो ओपनर्स यहाँ पे ठीक ठाक शुरुआत दिलाई थी, 42 पे आउट हुए थे, 31 और 20 बनाए मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने। पुजारा रहे नॉट आउट, बढ़िया 50 रन बनाए हैं वो भी सिर्फ 53 गेंदों में। विराट कोहली साथ दिया, बढ़िया मैच को फिनिश किया पूरा, और मैन ऑफ द मैच अंत में रविंद्र जाडेजा बनते हुए। अरे वाह, ये तो मैंने देखा नहीं, रविंद्र जाडेजा 6 विकेट भी निकाले थे इन्होंने, 6 विकेट निकाले, 100 रन मारे, उसके बाद अभी की बैटिंग नहीं आई, लेकिन इन सब के बावजूद डिजर्व करते हैं सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। पहली इनिंग का ही तो मेन परफॉर्मेंस था क्योंकि बांग्लादेश वहाँ पे बहुत अच्छा खेल रहा था, तो बढ़िया मैच जीता है। उसके बाद उस बढ़िया स्कोर के सामने एक ऐसी इनिंग चाहिए थी इंडिया को जो उसे मैच में जिताए, तो वो इनिंग दिखाई रविंद्र जाडेजा और अजिंक्य रहाणे ने। बांग्लादेश आई बैटिंग में, खेली अच्छा, लेकिन फिर वही बात थी कि अंत के जो 4 बैट्समैन थे उन्होंने सही परफॉर्मेंस नहीं दिया, और उसके कारण यहाँ पे बांग्लादेश बड़ा टारगेट नहीं दे पाई। 124 का टारगेट दिया था आखिरी इनिंग में, जिसे आसानी से पूरा किया है। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ बांग्लादेश इंडिया की पूरी होते हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इसे देखने के लिए, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पर इसी तरह से देते रहें, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए ले रहा हूँ मैं विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।